जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली में गज के श्री योग की। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लग्न कुंडली में भी गज के श्री योग एप्लीकेबल नहीं होता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि इस लग्न कुंडली में बृहस्पति देवता अति मारक ग्रह माना जाता है और चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में सम ग्रह माना जाता है। चंद्रमा देवता को 10वें घर का मालिक बनाया शुक्रदेव ने और बृहस्पति देवता को 3रे घर का मालिक यानी मेहनत का, पराक्रम का मालिक बनाया और रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा का मालिक बनाया। तो इस लग्न कुंडली में बृहस्पति देवता अति मारक ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा अति सम ग्रह माने जाते हैं, यानी के अच्छे घर के मालिक। तो अगर आपको कोई पोंगा पंडित इस लग्न कुंडली में कहे कि इस लग्न कुंडली में गज के श्री योग बना हुआ है तो समझ लीजिएगा अभी उसके बेसिक्स पढ़ने में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि इस लग्न कुंडली में भी गज के श्री योग एप्लीकेबल होता ही नहीं है। उसका सबसे मुख्य कारण बृहस्पति का मार्केतव होना है। तो प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में ही पड़े हुए, बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में पड़े हुए, तो बृहस्पति इस लग्न कुंडली में कभी अच्छा फल नहीं देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा बढ़ा करके, जातक की मेंटल पीस डिस्टर्ब करके, फजूल की मेहनत बढ़ा करके प्रॉब्लम्स ही देते मिलेंगे। बृहस्पति देवता पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहाँ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम। बृहस्पति देवता सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहाँ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स। बृहस्पति देवता की नवम दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ी तो नवम भाव के संबंधी भी सारी प्रॉब्लम्स दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें बढ़ोतरी करते हुए ही मिलेंगे बृहस्पति देवता। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली के सम ग्रह हैं, लेकिन लग्न में पड़े होने से जातक को डबल माइंडेड जरूर कर देंगे। जातक जरूरत से ज़्यादा मेहनती अवश्य होगा। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली उसके संबंधी भी जातक को छोटी मोटी ऑब्स्टेकल दे करके जातक का काम काज चलाते जरूर रहेंगे। दाम्पत्य सुख में एडवांटेज देंगे, पार्टनरशिप में काम काज हो सकता है उसके संबंधी एडवांटेज देंगे। वो जातक यहाँ से चंद्रमा की दशा अंतरदशा में थोड़ा बहुत एडवांटेज जरूर गेन कर लेता है। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर दूसरे भाव में पड़े हो, यहाँ चंद्रमा देवता नीच के हो जाते हैं और बृहस्पति देवता पहले ही मारक ग्रह हैं और यहाँ दोनों ही पड़े हुए टोटली अपनी दशा अंतरदशा में डिसएडवांटेज देंगे। धन, कुटुंब, वाणी के संबंधी पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट, धन का अभाव सदा बना रहेगा, मेंटली पीस सदा डिस्टर्ब होती रहेगी और जातक का परिवार कभी उसका साथ नहीं देने वाला होगा। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि डाली उसके संबंधी प्रॉब्लम्स, यहाँ से अष्टम भाव संबंधी प्रॉब्लम्स, यहाँ से दशम भाव संबंधी भी पूर्णतः प्रॉब्लम्स ही देंगे। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर तीसरे भाव में पड़े हों, यहाँ पर पड़े ना तो बृहस्पति देवता अच्छा फल देंगे क्योंकि फजूल की मेहनत बढ़ा देंगे, छोटे भाई का योग बना देंगे और फजूल की यात्राएं होती रहेंगी। चंद्रमा देवता भी यहाँ से काम काज को उठाकर मेहनत में रख दिया तो मेहनत फजूल की जातक की होती ही रहेगी और उसका रिजल्ट उसे बहुत बाद में मिलने वाला है, यानी डिले होकर करके दिक्कत परेशानियाँ दे करके ही मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने नवम भाव पर दृष्टि डाली और चंद्रमा देवता ने नवम भाव पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा चतुर्थ भाव में पड़े हुए, चतुर्थ भाव में पड़े हुए भी कभी अच्छा फल नहीं देंगे। चंद्रमा जरूर अच्छा फल दे सकते हैं क्योंकि इस लग्न कुंडली में सम है, माता से बनने वाली होगी, गाड़ी, भूमि, मकान, वाहन में थोड़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ से चंद्रमा देव अपने घर पर दृष्टि डालेंगे तो काम काज संबंधी भी थोड़े बहुत एडवांटेज जरूर देंगे, लेकिन बृहस्पति देवता का नीच होना, एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच का, एक तो जैसे मैं पहले भी एग्जाम्पल देता हूँ, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक तो पंडित ऊपर से पोंगा और पैसे लूटने वाला, तो यहाँ दिक्कत परेशानियाँ बढ़ा देते हैं। यहाँ पड़े हुए बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा बढ़ा करके माता की हेल्थ को भी बुरी तरह इफेक्ट करके फजूल की मेहनत बढ़ा देंगे और जातक के जीवन यापन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ाने में मुश्किलें बढ़ा करके और ज़्यादा मुश्किल जीवन यापन करके दिक्कत परेशानियों को और बढ़ोतरी कर देंगे। यहाँ से अष्टम भाव पे रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से दशम भाव रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से 12वें भाव के संबंधी भी टोटली बृहस्पति देव नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे।
प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देव पंचम भाव में पड़े हुए चंद्रमा के साथ, अगर चंद्रमा और बृहस्पति पंचम भाव में पड़े हुए, अगर बृहस्पति बलि हुए तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, अगर चंद्रमा बलि हुए डिग्री वाइज तो पुत्री का योग बनेगा। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता लवर मास में कामयाबी नहीं देंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, पेट संबंधी भी प्रॉब्लम्स देंगे। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देव अनसर्टेन लॉस भी दे सकते हैं, लेकिन कामकाज जातक का बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ी, वो भी नेगेटिव रिजल्ट देगी। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ी, वो भी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर पड़ी, वो भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक की मुश्किलें सदैव बढ़ाते ही मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा देवता यहाँ से जो 11वें भाव पर दृष्टि डाली, तो जातक अपनी मेहनत से अपना धन अर्जित करके अपना जीवन यापन चलाता रहेगा। बृहस्पति और चंद्रमा छठे भाव में पड़े हुए, अगर बृहस्पति देव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, यानी शुक्र देवता बलि हुए, तो बृहस्पति अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल जरूर देंगे, लेकिन अगर शुक्र बलि ना हुए तो बृहस्पति की दशांतर दशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन सारे होकर के जातक की मुश्किलें बढ़ेंगी। यहाँ से कामकाज की ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगी, यहाँ से फजूल का व्यय होता रहेगा। यहाँ से जो बृहस्पति ने नवम दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, तो धन, कुटुंब, वाणी संबंधी भी सदैव जातक की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी बृहस्पति की दशांतर दशा में। कामकाज जल्दी सेटल होने वाला नहीं होगा। चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट सदैव सबॉर्डिनेशन अंडर रह के जॉब वर्क ही करवाएगी, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट लगा करके जातक कभी कामकाज पूर्णता नहीं कर पाता। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, बृहस्पति यहाँ अति मारक होते हैं, तो दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश, पार्टनरशिप में भी परेशानियाँ, डेली वेजेस में भी परेशानियाँ। यहाँ से दृष्टि डाली बड़े भाई बहनों से क्लेश, यहाँ से खुद की पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली अपने घर पर, तो फजूल की मेहनत और छोटे भाई बहनों से भी दिक्कत परेशानियाँ बढ़ाएंगे। चंद्रमा देवता यहाँ पड़े हुए, हम अक्सर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना काम कुछ पार्टनरशिप में कर लीजिए, अगर अपना काम काज पार्टनरशिप में करते हो तो चलने का योग अच्छा बनता है ज़रूर। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा देवता अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, अष्टम भाव में पड़े हुए बृहस्पति और चंद्रमा देवता कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा देवता कामकाज का मालिक होकर के उच्च का हो गया, लेकिन उसका भाव गलत हो गया। बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति में अच्छा फल दे सकते हैं, यानी शुक्र का बलि होना अति आवश्यक है, लेकिन चंद्रमा देवता अपनी दशांतर दशा में सदैव जातक के कामकाज में ऑब्स्टेकल्स खड़ी करके, मुश्किलें बढ़ा करके, कामकाज में रुकावट पैदा करके कामकाज को बंद करने की कगार तक ले आते हैं। यहाँ से चंद्रमा देवता ने दृष्टि डाली दूसरे भाव पर, तो परिवार कभी साथ नहीं देने वाला होगा, धन का अभाव सदा बना रहने वाला है, और मेंटल पीस जातक की सदैव डिस्टर्ब करके जातक जितना कर्म करता है उसको उतना फल कभी नहीं मिल पाता। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर नवम भाव में पड़े हुए, नवम भाव में पड़े हुए भी ये इस योग की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता यहाँ अति मारक माने जाते हैं, और कामकाज पिता से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि कामकाज का लॉर्ड पिता पे आना, अगर कामकाज पिता के साथ किया जाए तो उसमें कामयाबी का रास्ता बनता है, लेकिन बृहस्पति देवता का यहाँ आना उसकी दशा अंतर दशा में पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम्स आने की पूर्ण पॉसिबिलिटी बनेगी। जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने में भी उसे ऑब्स्टेकल्स आएंगी, और छोटी मोटी फजूल की मेहनत करने के बाद भी उसे पूरा रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला होगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने लगन पर दृष्टि डाली, तो पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियाँ, यहाँ से दृष्टि डाली तीसरे भाव के रिगार्डिंग परेशानियाँ, यहाँ से जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली उसके संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देंगे। सिर्फ इतना एडवांटेज दे सकते हैं कि पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बना देंगे। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर दसम भाव में पड़े हुए, यहाँ बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, और अगर चंद्रमा देवता ओन साइन के साथ में पड़े हुए यहाँ, लेकिन गज केसरी नहीं बनता है, क्योंकि बृहस्पति अति मारक हैं इस कुंडली के। चंद्रमा देवता की दशांतर दशा में कामकाज के रिगार्डिंग एडवांटेज सदैव मिलेंगे, लेकिन बृहस्पति की दशांतर दशा में कामकाज संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स आएंगी, कामकाज पूर्णता नहीं चलने वाला होगा, सबॉर्डिनेशन में आएगा, और वो दिक्कत परेशानियां बढ़ा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें और बढ़ाता ही मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने दृष्टि डाली दूसरे भाव पर, तो दूसरे भाव संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स मिलेंगी, परिवार कभी साथ नहीं देने वाला, धन, कुटुंब, वाणी का अभाव सदा रहने वाला है, और धन के आगमन के लिए जातक भागता रहता, धन उससे दो कदम आगे ही चलता रहता है।
दर्शकों, बृहस्पति देवता ने यहाँ दृष्टि डाली चतुर्थ भाव पर। माता से सदा मनमुटाव बना रहता है। गाड़ी, भूमि, वाहन लेने में बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। यहाँ से जो नवम दृष्टि छठे भाव पर डाली, तो छठे भाव संबंधी भी सदैव दिक्कत परेशानियों में बढ़ोतरी करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें इतनी बढ़ा देता है कि वो उसके हेल्थ में भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती हैं, क्योंकि छठा भाव रोग का भी है। तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी छठे भाव के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे करके जातक की मुश्किलें काफ़ी हद तक बढ़ा करके उसकी मुश्किलों को इस हद तक बढ़ा देता है कि जातक सोचना शुरू कर देता तो इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि अगर काम काज की कड़ी हिलती है तो धन का अभाव रहना शुरू होता है। धन का अभाव रहता है तो परिवार में दिक्कत परेशानियां होती हैं, और परिवार पूर्ण सपोर्टिव नहीं होता तो जातक की मुश्किलें सदैव बृहस्पति देवता बढ़ाते मिलते हैं। बस चंद्रमा देवता यहां एडवांटेज जरूर देते हैं, वो काम काज अपनी दशांतर दशा में चलने का रास्ता जरूर खोल देते हैं। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर 11वें भाव में पड़े हुए, यहां भी वो गज केसरी नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पड़े हुए बृहस्पति देवता धन का अभाव सदा रखेंगे, बड़े भाई बहनों से क्लेश रखेंगे और हेल्थ प्रॉब्लम भी देंगे। यहाँ पड़े हुए चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतर दशा में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही उतना धन अर्जित कर सकते हैं जितने से उसकी गाड़ी चलती रहे। तो यहाँ से अगर बृहस्पति देव बलि होकर के दृष्टि डालेंगे तो पुत्र का योग बनाएंगे, अगर चंद्रमा देवता बलि होकर के यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पुत्री का योग बनाएंगे। तो यहाँ से बृहस्पति देवता फजूल की मेहनत करवाते रहेंगे, यहाँ से बृहस्पति देवता धन कुटुंब वाणी के स्थान की जगह, यहाँ से बृहस्पति देवता जो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे वो दिक्कत परेशानियों में होगी, पार्टनरशिप भी सदैव परेशानियों में होगी, यहाँ पर दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानियाँ होंगी और डेली वेजेस में बुरी तरह हिट करके उसी प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी ही करते मिलेंगे। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर 12वें भाव में पड़े हुए, बृहस्पति अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो अच्छा फल देंगे, यानी शुक्र अगर बलि हो गए तो बृहस्पति अच्छा फल देंगे, अन्यथा बृहस्पति और चंद्रमा देवता दोनों ही जातक की मुश्किलें इस हद तक बढ़ा देंगे कि जातक के खर्चे जातक से संभाले ही नहीं जाएंगे, फजूल का व्यय जातक को होता ही रहेगा, वो परेशानियों में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें इस हद तक बढ़ा देते हैं कि उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों ग्रहों की दृष्टि जो छठे भाव पर पड़ती है वो मुश्किलों में बढ़ोतरी करके जातक रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना में फंस के अस्पताल के खर्चों के चक्कर लगाने शुरू करता है और फिर वो जल्दी उससे संभाले ही नहीं जाते। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में चंद्रमा का सुच्चा मोती उसकी दशा अंतर दशा में एडवांटेज लेना हो और चंद्रमा सही जगह प्लेस्ड हो तो पहना जा सकता है, लेकिन तुला लगन की कुंडली में कभी भी किसी जातक को भी पुखराज नहीं पहना जा सकता, चाहे वो विपरीत राजयोग की स्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि वो लग्नेश की अति शत्रुता या एंटी पार्टी में आता है। लग्नेश आपका दानव गुरु है और बृहस्पति देवता गुरु में आते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए, किसी जातक का भी मन जल्दी घबराता हो, उसे बात जल्दी समझ में ना आती हो, वो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहता हो, या उसकी विल पावर में कमी हो, कमजोरी हो, या वो डिसीजन मेकिंग में कमी रखता हो, या उसका डिसीजन प्रॉपर ना ले पा रहा हो, तो सबसे अच्छा काम एक रुद्राक्ष की माला पहन सकता है, वो उसके लिए सदैव हेल्पफुल होती है, वो उसके डिसीजन मेकिंग में अच्छा करके, उसकी डिसीजन पावर को बढ़ा करके, उसकी विल पावर को स्ट्रांग करके उसका जीवन यापन अच्छा करने में मददगार ज़रूर होती है, क्योंकि वो साक्षात शिव जी का अंश माना जाता है। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ प्रिय दर्शकों, हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ शनिदेव से, ये प्रार्थना करता हूँ, हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.